मोहन गौरा स्पोक्स पर्सन हिंदू जनजागृति समिति कर्नाटक स्टेट ने इल्ज़ाम लगाया है कि जमीयत उलमा हिंद हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए हज़ारों करोड़ रुपए जमा करके दहशतगर्दों को सलाखों के पीछे से निकालने की कोशिश में लगे हैं, जो कि एंटी नेशनल कार्रवाई है। मुलाहजा करें, साला डिजिटल से जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद खासमी की खसूसी गुफ्तगू। मौलाना खासमी का कहना है कि यह सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम है, अगर किसी की रिहाई हुई है तो बाकायदा कोर्ट रूम ट्रायल्स के बाद ही मुमकिन हुई है, अदालतों में अंधाधुंध रिहाइयां नहीं दी जाती हैं। ये जो हलाल सर्टिफिकेट जो है, इसके माध्यम से जमीयत उलेमा हिंद हजारों करोड़ रुपीस इकट्ठा कर रहे, जब कर्नाटक में एक मुस्काना करके एक लड़के अल्लाह अकबर घोषणा दिया था, उस समय 5 लाख रुपीस ये जमीयत उलेमा हिंद ने दिया था। इस प्रकार का जो रिसेंटली अहमदाबाद बम ब्लास्ट केस में केस हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों को फांसी शिक्षा मिला था, उस संदर्भ में उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले जमीयत उलेमा हिंद है। पूरा भारत भर में 700 से अधिक जो टेररिस्ट केस में पकड़े गए एक्यूज केस को जमीयत उलेमा हिंद लीगल ऐड कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद हजारों करोड़ रुपीस हलाल सर्टिफिकेट से माध्यम से इकट्ठा करके इस प्रकार का देश विरोधी गतिविधियाँ के लिए फाइनेंस करने के कॉन्स्पिरेसी के पीछे है। नहीं, टेरर तो हम लोग जो है गुज़िश्ता 2006-07 में पूरे मुल्क में एंटी टेररिज्म जो है पूरे मुल्क में बड़े बड़े आंदोलन चलाए। 100 बेंगलोर में पैलेस ग्राउंड में हमने एंटी टेररिज्म इजलास चलाया है, तो हम तो टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम क्यों सपोर्ट करेंगे? हम तो टेररिज्म नहीं, मुल्क के खिलाफ अगर कोई बात करे कोई काम करे हम तो उसको भी बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। तो ये तो इल्जाम है सरासर। उनका इल्जाम है कि जो पैसा आता है कोर्ट के लिए फैक्ट जो टेररिस्ट जो अटैक उनके लिए रिहा करने के लिए यूज़ नहीं। रिहा देखिए, अगर वो मुजरिम है तो रिहा कैसे होंगे? रिहा होते हैं इसका मतलब ये है कि कहीं लूज पॉइंट्स है, उनको जो है किसी तरीके से वो फंसा दिया गया या फंस गए हैं। भाई ये तो आपकी हुकूमत भी जो है पीपी रखती है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखती है कि भाई किसी के पास लायर ना हो, तो हुकूमत लायर प्रोवाइड करती है, तो क्या हुकूमत भी टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है? नहीं, वो जो है आदमी को दिफा का हक देती है, आदमी को कानूनी मदद फराहम करती है। तो जमीयत उलमा का ये रिकॉर्ड है जिसे सजा सेशन कोर्ट में हो गई, हाई कोर्ट में हो गई, सुप्रीम कोर्ट से बरी होके आ गया। और रही बात ये कि उसके लिए जो है मुल्क का मुसलमान फंडिंग करता है, जो मुकदमा जमीयत उलमा लड़ती है उसके लिए मुल्क का मुसलमान फंडिंग करता है, ये इससे कोई आमदनी, जैसे वो कह रहे हैं बहुत बड़ी आमदनी हो जाती है, इससे कोई आमदनी नहीं होती है, वो तो लोगों के तआवुन के लिए एक सिलसिला है।